वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, हमेशा की तरह मैं गुरकीरत आज आप सभी के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड काउंसलिंग वीडियो लेके आई हूँ। जी हाँ, यदि आप एस्पिरेंट्स इस समय क्लास 10th में हैं और एस्पायर करना चाहते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने का, तो डेफिनेटली ये आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सभी पॉइंटर्स और पैरामीटर्स बताने वाली हूँ जिनको आप प्रेफर करेंगे यदि आपको क्लास 10th के बाद में NDA के लिए जाना है। जी हाँ, देश सेवा के लिए ऑफिसर काडर में लाखों एस्पिरेंट्स हर वर्ष नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम देते हैं, लेकिन उसमें से 0.5% ही अपने इस ड्रीम को कंप्लीट कर पाते हैं जिनकी राइट प्लानिंग राइट अप्रोच रहती है। तो आइए देखते हैं कि आप क्लास 10वीं से ही ऐसे क्या करना चाहिए कि आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के सफर को बहुत ही ज्यादा आसानी से तय कर पाए। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने अपनी लिस्ट में बनाया है वो ये है कि आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। जी हाँ, यदि आप 10th के बाद में एक करियर अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं एक ऐसा डिसीजन 11th क्लास से ही लूं जो मुझे आगे जाके बहुत बेनिफिशियल प्रूव करे, तो वहां पे आपको क्लास 10th के बाद ही या क्लास 10th में रहते रहते अपने खुद की इच्छा से, अपने खुद के पैशन और चॉइस से आप अपने गार्जियंस की हेल्प ले सकते हो, उनसे हेल्प ले सकते हो अपने डिसीजन मेकिंग में, अपने टीचर से राय ले सकते हो, अपने थॉट, अपने प्रोसेस, अपने लाइकिंग के बारे में बता सकते हो, और इस तरीके से आपको इस पूरे प्रोसेस के जरिए ये डिसाइड करना है कि आपको जाना किस दिशा में है। क्योंकि यदि हमें लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो सबसे पहले हमें एम और टारगेट सेट करना होता है, क्योंकि तभी तो हम उस पथ पर चलेंगे, और जब हमारा एम पहले से सेट होगा तो जो रास्ता है उसको बनाने में और तय करने में बहुत आसानी होती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप इज कि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें और रियली अपने मन में ये डिसाइड करें, अपना माइंड मेकअप करें कि आप उस टफ लाइफ के लिए, उस एडवेंचरस लाइफ के लिए तैयार हैं। तो सेकेंड चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप क्लास 10th में हैं और आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी ही ज्वाइन करना है, मुझे फौज में ऑफिसर बनना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। जी हाँ, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन पूरी होगी तो प्लानिंग भी उसी हिसाब से आप कर पाएंगे। अब नेशनल डिफेंस एकेडमी के जरिए आप स्टूडेंट्स 3 तरीके की फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, आइदर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स। नाउ व्हाट इज द बिग क्वेश्चन, यहाँ ध्यान क्या रखना है, क्योंकि जब आप 10वीं क्लास से 11th क्लास की तरफ अप्रोच करते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स जो है कुछ साइंस ले लेते हैं, कुछ कॉमर्स ले लेते हैं, कुछ ह्यूमैनिटीज की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ज्वाइन क्या करना है, उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन भी करना होगा। यदि आप इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्लास 11 से ही PCM की पढ़ाई में एनरोल होना है। जी हाँ, और यदि आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप चाहे PCM बैकग्राउंड से हो या फिर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से, व्हाटसोएवर यू टेक, आप इंडियन आर्मी आराम से ज्वाइन कर पाओगे। सो अगेन, यहाँ पे क्लास 11th में चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स अगेन विल मैटर आपकी चॉइस ऑफ सर्विस के लिए। ठीक है एस्पिरेंट्स, दिस इज द सेकंड पॉइंट। मेरा थर्ड प्रस्पेक्टिव है वो है कि आपको ये देखना है एज लिमिट आपकी क्या है, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको मिलने वाले हैं फॉर द नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन। जब बात हम डिफेंस एग्जाम्स की करते हैं तो यहाँ पे उम्र का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, एक दिन से आपका सिलेक्शन बन सकता है, सिलेक्शन रुक सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसा जो एग्जाम है यहाँ पे 16.5 से लेकर 18.5 साल की उम्र तक ही आप रिटन एग्जाम दे सकते हैं। सो नाउ व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट इज कि क्या आप इस एज लिमिट में फॉल इन कर रहे हैं, सेकेंडली आपको कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट मिल रहे हैं। क्योंकि यदि आपने एस्पायर तो कर लिया कि मुझे NDA जाना है और आपके पास में 2 अटेम्प्ट है और आपको पता ही नहीं है कि आपके पास सिर्फ 2 चांसेस हैं और बाई चांस से आपके अपना एक चांस गवा दिया, तो आपके पास सिर्फ लास्ट अटेम्प्ट बचेगा जिसमें आपको पूरी जी जान लगानी है। खैर स्टूडेंट्स, आपको कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपने एग्जामिनेशन को क्लियर कर दें, बट स्टिल जब आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का आइडिया होता है तो डेफिनेट सी बात है प्रिपरेशन भी आपकी उसी लेवल से हो जाती है। ठीक है, now let's come on to the fourth point. The fourth point of this video would be know about the complete examination pattern. सिर्फ NDA जाना है, एज लिमिट देख लिया, PCM ले लिए, whatsoever subject you took, but हमें क्लास 11 से पता ही नहीं है कि पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है यदि मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना है, then again you would land up into confusion. So, आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रोसेस जानना है। प्रोसेस जानने के लिए बड़ों की सहायता लीजिए, आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, आप इंटरनेट की मदद से आप पूरा प्रोसेस जानिए, आप जिस
भी सोर्स को आप बेस्ट मानते हैं अपने लिए, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसे एग्जाम के लिए बच्चों आपको कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आप एक रिटन एग्जामिनेशन देते हैं जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है, उसको क्लियर करते हैं, फिर आप 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करते हैं। उस इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद में तीसरा आपका टेस्ट होता है मेडिकल्स। मेडिकल्स क्लियर करने के बाद में फाइनली आप फिर लैंड करते हैं कि आपकी मेरिट लिस्ट के अंदर। यदि वहाँ आप मेरिट इन यानी मेरिट ऑर्डर में अच्छे मेरिट ऑर्डर पे रहते हैं तभी आप नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर पाते हैं। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस इज। तो इस पूरे प्रोसेस को समझना डीपली, रिटन में क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, 2 पेपर्स आते हैं दैट इज GAT एंड आपका मैथमेटिक्स पूछा जाता है, 900 मार्क्स का पूरा रिटन एग्जाम होता है, 900 नंबर का SSB इंटरव्यू होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है, क्या मैं मेडिकली फिट हूँ कि नहीं हूँ, तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड व्हाइल यू आर डिसाइडिंग टू गो फॉर NDA इन योर क्लास 10th itself, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट अगेन इज द सिलेबस। जी हाँ, जब मैं बात करती हूँ नेशनल डिफेंस एकेडमी के रिटन एग्जामिनेशन की, तो वहाँ पे आपको मैथ्स प्लस GAT, मैथ्स जिसमें कि 11वीं और 12वीं क्लास की मैथ्स पूछी जाती है, GAT जिसमें कि अंग्रेजी का ग्रामर पोर्शन पूछा जाता है, और ये ग्रामर पोर्शन इन जनरल होता है, ठीक है, उसमें कोई कोर्स नहीं है। ग्रामर अगेन उसमें बेसिक चीज़ें होती हैं, पैसेज होता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स होता है, वोकैबुलरी होती है, सो दैट्स स्पेसिफिक। ग्रामर तो जितना पढ़ लो उतना कम है, सो दैट इज पार्ट ऑफ ग्रामर। फॉलोड बाय दैट जो आपका उसका सेकंड पार्ट होता है उसमें आपका साइंस का PCB पूछा जाता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, ठीक है, उसके बाद में करंट अफेयर्स के पोर्शंस होते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको स्टडी करनी होती है। तो आप प्लानिंग क्या करनी है कि यदि आप PCM बैकग्राउंड के हैं तो डेफिनेट सी बात है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो आपका 12th लेवल का बहुत अच्छा प्रिपेयर हो रहा है। अब आपको ध्यान कहाँ रखना है, इंग्लिश भी क्योंकि आजकल सभी स्कूलों में होता है तो वो भी वरी करने का टॉपिक नहीं है। तो ध्यान यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो आपके सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके जो होते हैं ये कक्षा 10 तक का ही सिलेबस पूछा जाता है। तो जो आपने क्लास 10th तक पढ़ा था उसको आप रिवाइज करते रहिए। तो जब आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको दोबारा से NDA एग्जाम जब रिटर्न अप्रोच कर रहा होगा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो भूलना कुछ भी नहीं है। इसी हिसाब से यदि आप ह्यूमैनिटीज के हैं तो आपको मैथमेटिक्स की जो है 11th 12th क्लास की मैथमेटिक्स धीरे धीरे साइड बाई साइड सीखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी प्लानिंग है जो आपको अपने लेवल से करनी होगी आफ्टर एनालाइजिंग द होल थिंग, ठीक है। अभी आगे आगे और चीज़ें बताऊंगी कि कैसे आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। हो गया ये पॉइंट आपका चेकलिस्ट में। और नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज द SSB इंटरव्यू की तैयारी होनी चाहिए शुरू से। जी हाँ, ये नहीं होता है कि NDA का रिटर्न निकालेंगे तब हम SSB इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। द डे यू स्टार्ट यू नो डिसाइडिंग कि नाउ आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माय NDA रिटन एग्जामिनेशन, द डे यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर SSB इंटरव्यू। येस, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि SSB इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर पैटर्न, जहाँ पे आपको 5 दिन के लिए 3 पैरामीटर्स पे जज करते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। मनसा इज योर मन, दैट इज व्हाट साइकोलॉजी इज गोइंग इन योर माइंड। वाचा, अपने शब्दों के जरिए आप कितना अच्छा अपने थॉट्स को डिलीवर करते हैं। एंड कर्मणा अगेन मींस आपका बिहेवियर पैटर्न ग्रुप में कैसा है, इंडिविजुअली कैसा है, कैसा आप सबके साथ में रल मिल के रह पाते हो, किस तरीके से आप यूनिफाइड मैनर में एक टीम के प्रोग्रेशन में हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको शुरू से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू डेवलप द सेंस ऑफ लीडरशिप, यू विल हैव टू डेवलप द सेंस ऑफ बीइंग सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग, शुरू से ही ये सब चीज़ें, एबिलिटी टू एक्सप्लोर, टू लर्न, टू सीख, ये सब चीज़ें आपको खुद से स्टार्ट करना होगा। सो दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द SSB इंटरव्यू सिंस डे 1, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो कुछ रट्टाफिकेशन नहीं है कि आप कहीं पे 21 दिन 22 दिन का कोर्स ज्वाइन कर लें और वो रटा दें। नो, इट्स नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन, इट्स अबाउट वॉट यू हैव मेड ऑफ योर सेल्फ इन दोज पास्ट ईयर्स, एंड आपको उसी का रेप्लिका प्रेजेंट करना होता है एट दी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। सो दैट्स सो मच इंपॉर्टेंट। इसके बारे में डीप में आगे वाली वीडियोज में डेफिनेटली चर्चा करेंगे, बट आज की वीडियो में इतना समझना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन कम्स आपका स्पोकन इंग्लिश अच्छा करें, और साथ ही साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अपना इम्प्रोवाइज करना है, उठना बैठना सीखना है, गुड बेयरिंग सीखना है, अच्छे से कपड़े पहनना सीखना है। ना, अच्छे से कपड़ा पहनना डजंट मीन यू ऑलवेज हैव टू वेयर ब्रांडेड क्लोथ्स, नॉर्मल क्लोथ्स को आयन करके अच्छे से बेयरिंग रखना, दैट्स हाउ यू नो यू विल बिहेव लाइक एन ऑफिसर। एक बहुत बढ़िया कहावत है, टू बी एन ऑफिसर फर्स्ट बिहेव लाइक वन, सो दैट्स हाउ यू हैव टू इम्बाइब दैट ऑफिसर लाइक बिहेवियर इन योर डेली लाइफ। कक्षा 11th में ही क्यों नहीं हूँ मैं, 12th
ट्वेल्थ में क्यों ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे वैसे ही जीना है जैसे एक एनडीए कैडेट जी रहा होता है, पूरे डिसिप्लिन के साथ में। मेरा एक शेड्यूल होना चाहिए, मुझे सुबह उठना है, मुझे इतने बजे सोना है, मुझे हर काम टाइम से करना है, आई हैव टू बी आंसरेबल, आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, यू नो, इफ समथिंग इज बीइंग टोल्ड टू मी। सो दैट्स हाउ यू प्लान एंड दैट्स हाउ यू डेवलप योरसेल्फ एंड दैट्स हाउ यू अचीव योर एम्स। सो दैट्स ऑल दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ। यहाँ पे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हैं तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी एनडीए एग्जाम आपके लिए बहुत टफ है, इट्स नॉट लाइक दैट। क्योंकि आपका जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं ये दोनों भाषा में कराते हैं, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, तो वहाँ रिटन एग्जाम में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते आपको अंग्रेजी सब्जेक्ट थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा, दैट इज द ग्रामर क्वेश्चन। बट एट दी एसएसबी इंटरव्यू भी ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है। बट अगर आप हिंदी मीडियम से और अंग्रेजी सीखने की कोशिश ही नहीं करेंगे, देन आप खुद सोचिए कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो फिर फौज के कंफर्ट जोन में आप कैसे एडजस्ट होंगे, दिस इज अ क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो धीरे धीरे लर्न करिए, एंड इंग्लिश लर्निंग इज नॉट इम्पॉसिबल। जितना आप अच्छा लर्न करेंगे उतने एफर्ट्स आपके दिखेंगे यदि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, और आपको एड ऑन ही करेंगे वो आपके मार्क्स में कि हाँ दिस पर्सन हैज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, बिकॉज यू नो ये बहुत अच्छी एबिलिटी होती है, एवर लर्निंग जो एटीट्यूड होता है एक एस्पिरेंट का, वो आर्म फोर्सेज की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको हर जगह आर्म फोर्सेज में लर्निंग एटीट्यूड के साथ में ही परफॉर्म करना होता है, राइट। तो नेक्स्ट जो मेरी लिस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना वो इंट्रोवर्ट होते हैं, कम बोलते हैं, सोशलाइज नहीं होते हैं, आजकल बुक्स हो गया, मोबाइल हो गया है ना, बुक्स और मोबाइल में अपना लगे रहते हैं, तो ज़्यादा बाहरी दुनिया से मतलब नहीं है। सो इस एटीट्यूड को चेंज करना होगा इफ़ यू रियली वॉन्ट टू यू नो जॉइन द इंडियन आर्म फोर्सेज। इंट्रोवर्ट से आप धीरे धीरे एम्बीवर्ट बनने की कोशिश करिए, और एम्बीवर्ट से धीरे धीरे एक्स्ट्रोवर्ट की तरफ जाने की कोशिश करिए, फ्रेंड्स बनाइए, सोशलाइज करिए। नाउ दैट डजंट मीन कि हर दूसरे दिन पार्टी पर जा रहे हैं, नो दैट्स नॉट व्हाट आई वांट टू से। व्हाट आई वांट टू से इज कि आपको सोशलाइज होना है इन एन इफेक्टिव मैनर, फ्रेंड्स बनाने हैं, फ्रेंड्स बनाएंगे तो उनके बारे में सीखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, दूसरों की अच्छाइयों से आप खुद सीखेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, तो काइंड ऑफ वो एटीट्यूड जो होता है वो डेवलप होता है, एंड सेंस ऑफ सोशलाइजेशन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंडियन आर्म फोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप हर तरीके के यू नो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर तरीके का जो कम्युनिटी है वो इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, और एक तरीके से इंडियन आर्म फोर्सेज अपने आप में एक मिनी इंडिया है। सो उस मिनी इंडिया में यू नो रहने के लिए, उस मिनी इंडिया में अडेप्ट करने के लिए डेफिनेटली आपको ये जो फैक्टर्स है इसको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, विच वुड अगेन प्रूव वेरी वर्थी फॉर यू। द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वुड वॉन्ट टू टेल यू इज कि 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं, फौज ने एक लिस्ट बनाई हुई है, अभी आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होगी, ठीक है। चार फैक्टर्स पे ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डिपेंड होती हैं, इनको प्रैक्टिस करना है, इनको कैसे प्रैक्टिस करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग कहेंगे कैसे डिसीजन, बड़े डिसीजन की बात नहीं कर रही हूँ, डेली एक छोटा डिसीजन ले लीजिए, अपने लिए ही ले लीजिए, आज से मैं न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू कर दूंगा, आज से मैं जो है डेली दो शब्द नए अंग्रेजी के सीखूंगा, है ना। दिस इज हाउ इन डेली लाइफ एज अ स्टूडेंट यू कैन प्रैक्टिस डिसीजन मेकिंग। लाइवलीनेस हो गया, घर में आ रहे हैं तो लाइवलीनेस माहौल रखिए, फैमिली को खुश रखिए। तो इस तरीके से जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं जिसमें स्टैमिना बिल्ड करने के लिए डेली दौड़िए, तो उसको प्रैक्टिस जब डेली डेली लाइफ में करेंगे तो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करेगा, जो अगेन कक्षा 12वीं तक पहुँचते पहुँचते आप उसमें इतना रम जाएंगे कि जब आप एक SSB इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा कि इस पर्सन ने इतना वर्क किया हुआ है जस्ट बिकॉज ही हैड दैट क्रेज, ही वॉन्टेड टू ज्वाइन द इंडियन आर्म फोर्सेस। So the next point that I have made for you in the list is watch success stories of NDA recommended students. कैसे उनकी जर्नी रही, उन्होंने क्या किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गाँव से लोग जो है उठ के आए हैं, निकल के आए हैं, जिन्होंने फौज को ज्वाइन किया है, वो जो स्टीरियोटाइप सोच होती है, ऑर्थोडॉक्स सोच होती है, उससे उभर कर आए हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं, सेंचुरी डिफेंस अकेडमी की एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जो ऐसे गाँव से बिलोंग करते थे जहाँ ये बोला जाता था कि यू नो अगर आप डिफेंस बैकग्राउंड के नहीं है तो आप फौज में नहीं जा सकते हैं, फौजी का बेटा ऑफिसर नहीं बन सकता है,
और गेटमैन के बेटे ने ऑफिसर बन के दिखाया है, एक हिंदी मीडियम बच्ची ने ऑफिसर कैडर में भर्ती ली है, डिफरेंट कम्युनिटीज की लड़कियां बाहर आ रही हैं और वो अपना नाम रोशन कर रही हैं फौज को ज्वाइन करके। तो इस तरीके के बेहद अच्छी सक्सेस स्टोरीज, मोटिवेशनल वीडियोस आप देख सकते हैं जो हमारी प्लेलिस्ट में भी पड़ी हुई हैं और वहां से आप मोटिवेशन पा सकते हैं, देख सकते हैं कि बच्चों ने कैसे मेहनत किया, क्या स्ट्रैटेजी उनकी रही कि आज वो इस सफलता के चरम पर है। साथ ही साथ में अब इसके अलावा जो एक और अच्छी बात आप कर सकते हैं वो ये कि आप एक प्रोफेशनल गाइडेंस सीख कर सकते हैं। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप किसी चीज़ का डिसीजन लेते हैं कि उसके लिए अगर आपको लगता है कि प्रोफेशनल गाइडेंस सीख करना है तो करें। इसके लिए आप फ्री काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं और फ्री काउंसलिंग सेशन लेना है तो उसके लिए आप एक नंबर है 9795977776, दिस इज सेंचुरी डिफेंस अकेडमी काउंसलिंग के लिए आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं जहाँ पे हमारे प्रोफेशनल ट्रेन्ड काउंसलर्स आपको फ्री काउंसलिंग देंगे आपके करियर के लिए, जहाँ वो आपको एक्सप्लेन करेंगे व्हाई यू शुड जॉइन द नेशनल डिफेंस अकेडमी। मैंने आपको जितने पॉइंट्स बताए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जामिनेशन पैटर्न से रिलेटेड दिक्कत है, एज लिमिट से रिलेटेड दिक्कत है, आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं पता है आपके, आपको ये नहीं पता है कि पूरा पैटर्न क्या है, एसएसबी इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस क्या होता है, रिटर्न में अच्छा और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, सारी चीज़ें हमारे काउंसलर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग कर देंगे। एंड देन अगेन एक डिसीजन आता है कि क्या मुझे इसके लिए प्रोफेशनल कोचिंग लेनी चाहिए है और मैं इसके लिए सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ या नहीं। तो यहाँ पे अगेन टेक अ काउंसलिंग, एनालाइज योर सेल्फ कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं किस हिसाब से मैनेज कर सकता हूँ, बिकॉज क्लास 10th के बाद में 11th और 12th अगेन उसके 12th क्लास की बोर्ड्स के बर्डन होते हैं, देन यूपीएससी लेवल का एक अटेम्प्ट आपके पास में होता है सेप्टेम्बर वाला जिसको आपको क्रैक करना होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप बहुत इफेक्टिवली स्मूथली विदाउट एनी बर्डन मैनेज करना चाहते हैं देन डेफिनेटली यू कैन यू नो अप्रोच फॉर अ कोर्स विच इज़ नोन एज एनडीए फाउंडेशन कोर्स, जहाँ पे आपको 11वीं कक्षा की पढ़ाई, 12वीं कक्षा की पढ़ाई, आपके बोर्ड की पढ़ाई, साथ ही साथ एनडीए की पढ़ाई, एसएसबी की तैयारी, आपके फिजिकल फिटनेस के ऊपर वर्क, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपके स्पोकन इंग्लिश के ऊपर ओवरऑल ए टू जेड डेवलपमेंट कराती है सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। सो दिस इज हाउ यू नो एक दो साल के पीरियड में आप सब सीख रहे होते हैं और दो साल की वो कड़ी मेहनत आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे के ग्राउंड पर यू नो लैंड करा सकती है, जहां से आपके करियर की बेहतर शुरुआत हो सकती है। सो डियर एस्पिरेंट्स, होप आज के इस वीडियो से आपकी काउंसलिंग भी बहुत अच्छे तरीके से हो गई होगी और आपको वो सारे वैलिड पॉइंट्स ऑफ योर चेकलिस्ट पता चल गए होंगे। यदि इस समय आप क्लास 9th 10th में और एस्पायर करना चाहते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे को ज्वाइन करना, होप मेरी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस वीडियो ने आपको कितना हेल्प किया और साथ ही साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग काउंसलिंग वीडियोस के साथ में। यदि आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन थैंक यू, स्टे ट्यून्ड टू सेंचुरी डिफेंस एकेडमी। जय हिंद। आरंभ है प्रचंड, फूले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। डिफेंस फोर्सेज में हाईएस्ट सिलेक्शंस देने वाला लीडिंग इंस्टीट्यूट सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी अब आ चुका है देवभूमि उत्तराखंड देहरादून में। वी आर द मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर एनडीए, सीडीएस, एमएनएस एंड एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन अमंग एस्पिरेंट्स अक्रॉस द कंट्री, एज वी प्रोवाइड द फॉलोइंग फैसिलिटीज: रेगुलर क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइब्रेरी फैसिलिटी, एसी क्लासरूम्स, एसएसबी ट्रेनिंग बाय एक्सपर्ट्स एंड एक्स एसएसबी बोर्ड मेंबर्स, exposure to India's largest GTO ground, weekly mock test, mock interviews and counseling sessions, exclusive study material, access to Centurion Defence Academy's mobile app and mini India exposure under Centurion's roof. Phase 1 के admissions open हैं, first batches में enroll होने वाले सभी students को मिलेगा 15% off. So call us at 97959-77776 and enroll in Centurion Defence Academy Dehradun right now.